Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समाप्त कर दिए हैं, कुल 9 भाग बना है। आज हम सिंथेसिस बता रहे हैं आपको। और सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस क्या होता है? तो सिंथेसिस में आपको दो वाक्य दिए रहेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़कर या तो सिंपल सेंटेंस बनाना होगा या तो दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा या तो दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। तो आपको आज हम बता रहे हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं? तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुल 8 विधि हैं। तो उसमें से पहला विधि हम आज बताने जा रहे हैं। और सभी बच्चों को हम ये कहेंगे कि मतलब वीडियो जब देखिए शुरू से आखिरी तक देखिए, और सिंथेसिस का ये पहला भाग है, इसको आप जरूर देखिए। जैसे तो सिंपल सेंटेंस बनाने की, जैसे हमने कहा कुल 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार से हम बना सकते हैं, उसमें से एक प्रकार पार्टिसिपल है। तो हम पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस? तो चूंकि पार्टिसिपल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो यानी कहने का मतलब पार्टिसिपल के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उसमें से हम पहला भाग बताने जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे ये सिंपल सेंटेंस बनाते हैं? तो इसके 3 पहचान है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके 3 पहचान होने चाहिए। वो 3 पहचान क्या है? पहली बात तो दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है? दोनों वाक्यों की क्रिया असमान हो, मतलब एक ना दूसरा ही है। तीसरी पहचान क्या है? मतलब यदि कि एक ही कर्ता द्वारा दोनों वाक्यों के बीच का समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल 0 हो, यानी कि ना के बराबर। तो अब जान लीजिए, अगर ये किसी दो वाक्य में अगर ये 3 शर्तें दिखाई देती है तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनेगा। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, पहला है
माने उसने, सा माने देखा, ये इसने, उसने ये, उसने एक सांप देखा, उसने एक सांप देखा। फिर दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य ही रैन अवे। ये दो वाक्य दिए हैं, समझो पहले। कहने का मतलब कि अब यही दोनों वाक्यों को जोड़कर ये हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। यही क्या आगे लिखा है, सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब कि जो दो वाक्य दिए हैं इसको जोड़ करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। मान लीजिए इससे क्या आगे, यानी ब्रैकेट के अंदर दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका मतलब दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस अगर लिखा है इसका मतलब दोनों वाक्यों को जोड़कर ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर बात हो रही सिंपल सेंटेंस की। तो जैसे ही इसने, ही सा ए इसने, ही माने उसने, सा माने देखा, ये इसने माने एक सांप, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो समझा पहले, इसमें अगर यही तीनों सब अगर इसमें दिखाई देता हो तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसा पहला, यानी पहला शब्द क्या है, दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो, यानी दोनों वाक्यों का कर्ता, पहले वाक्य में क्या कर्ता ही है, दूसरे वाक्य का कर्ता क्या ही है, इसका मतलब पहला शब्द पूरा है कि दोनों वाक्यों का कर्ता समान है। अब नंबर दो क्या है, दोनों वाक्यों की क्रिया असमान हो, असमान के मतलब अलग अलग हो, चाहे लिख दीजिए अलग अलग हो या असमान हो। जैसे यहां पहले वाक्य की क्रिया क्या है, सा है, दूसरे वाक्य की क्रिया क्या है, रैन है, इसका मतलब दो शर्त हमारा पूरा हो गया। एक तीसरी शर्त अगर और इसमें दिखाई दे दे तो समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब तीसरा क्या है, तीसरा एक ही कर्ता द्वारा, मतलब एक ही कर्ता के द्वारा तो दोनों काम भाग है, वो नहीं देखो भाई, वो नहीं भगो भाई, तो एक ही कर्ता के द्वारा दोनों कार्य हुआ है। तो एक ही कर्ता द्वारा दोनों वाक्यों के बीच का समय अंतराल शून्य हो, ये नहीं, कहने का मतलब यह दोनों कार्य देखे बात का, ये दोनों कार्य के बीच में कोनो और तीसरा कार्य हुआ है या कार्य होने की संभावना थी। तो ही सा ये इसने, उसने एक सांप देखा, ही रैन अबे, वह भाग गया। एक है मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने अगर सांप देखा होगा उसके अंदर एक डर पैदा हो गई होगी, तो सांप देखते हो मतलब भाग जाए, मतलब इसके बीच में तीसरा काम नहीं होगा, अर्थात समय अंतराल जीरो, मतलब देखा होगा और तुरंत भाग गया होगा, इसका मतलब देखने में और भागने में के बीच में उसका समय अंतराल क्या है, जीरो है, मतलब तीसरे कार्य का होना नहीं पाया जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया ये तीनों शर्त इसमें मिल रहा है, अब क्या करेंगे, अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो अगर ये तीनों शर्त है जो अब देखना है, जैसे यानी पार्टिसिपल बनता कैसे है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। अब इसमें दो वाक्य हैं, पहले वाक्य के क्रिया में आईएनजी लगाने से बनेगा या दूसरे वाक्य के क्रिया में आईएनजी लगाने से बनेगा, अब ये आपको समझना है। इसमें एक एक यही चौथा वाक्य, यानी कि आपको और समझ लेना है कि किसमें, इस दोनों वाक्य में से किस वाक्य के क्रिया में आईएनजी लगाने से हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। जो कार्य पहले इसमें पता लगाइए,
कार्य कौन सा पहले हुआ है। जो कार्य पहले होगा उसी के क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। अब क्रिया में अगर आईएनजी लगाना है तो पहले क्रिया देखिए किस फॉर्म में है। अगर सेकंड फॉर्म में है तो पहले उसको फर्स्ट फॉर्म में करिए, क्योंकि आईएनजी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। मान लीजिए क्रिया थर्ड फॉर्म में है और हमें आईएनजी लगाना है, तो पहले जो थर्ड फॉर्म में है पहले उस क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, तब उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें ही माने उसने, सा माने देखा, ये इसमें एक सांप, उसने एक सांप देखा, एक है मतलब देखा, ही रैन अवे वह भाग गया। आप समझ लीजिए पहले उसने भागा कि पहले सांप देखा, पहले उसने सांप देखा होगा, जब सांप देखे हुए तो भाग हुए, तो कार्य यहां है सांप देखने का। इसका मतलब पहले वाक, ये पहला वाक जो है ये पहला सबसे पहला कार्य हुआ है। तो पहले वाक में जो क्रिया है इसी में आईएनजी लगाने से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब ये कैसे बनाएंगे, पहले सा, सा सेकंड फॉर्म है, इसको पहले फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, तो सींग, सींग होएगा, सींग ए स्नेक, ए स्नेक, फिर कामा। अब देखिए इधर अगर किसी कोई बच्चा, मैं कोई बच्चे हमारे ये कहते होंगे कि गुरुजी पहला कर्ता लिखना भूल गए, तो ये जो पहले और इन्हीं वाक्य का कर्ता है, पहले वाक्य का कर्ता नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यही कर्ता हमारा आगे चल करके दूसरे वाक्य में भी है, तो इसलिए दोनों का, दोनों वाक्यों का कर्ता एक है, एक ही कर्ता यहां उतारेंगे हम। तो यही कि पहला और इन्हीं पहले वाक्य का कर्ता नहीं लिखते हैं, फिर कामा लगा करके दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं। ये तो कहेंगे सींग ए स्नेक कामा ही रैन अवे, कहने का मतलब ये स्नेक एक सांप, सींग माने देखकर, एक सांप को देखकर ही रैन अवे वह भाग गया। जैसे चलिए एग्जांपल एक हम और देते हैं इसी तरह से, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा है जिसे ही सा ए डेंजर, ही माने उसने, सा माने देखा, ये डेंजर माने ये खतरा, उसने ये खतरा देखा पहला बार। अब दूसरे बात में क्या है, ही रिटर्न होम, वह घर वापस चला आया। अब देखिए इसी दोनों वाक्य को जोड़ करके एक हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इस दोनों में, दोनों वाक्यों में अगर ये तीनों शर्त अगर मिलते होंगे तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसा पहला देखिए, पहला शर्त क्या है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर इसमें नियम लगता होगा तो पहली बात तो दोनों वाक्यों का कर्ता समान होगा। तो देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता पहले वाक्य का कर्ता ही है, दूसरे वाक्य का कर्ता ही है, देखिए मतलब समान है, और दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग हो, यानी असमान हो, असमान मतलब अलग अलग हो। अब देखिए अब पहले वाक्य का क्रिया क्या है, पहले सेंटेंस की क्रिया सा है और दूसरे सेंटेंस की क्रिया है रिटर्न, तो इसका मतलब कि दोनों वाक्यों के क्रिया जो है वो अलग अलग है, दो शर्त पूरी हुई है। तीसरी शर्त अगर और पूरी हो जाए तो मैं कह सकता हूं इसमें कारण प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा क्या है, एक ही कर्ता द्वारा, जो एक ही कर्ता के द्वारा दोनों कार्य हो रहा है, क्या दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल शून्य है, कि मतलब इसके दोनों कार्यों के बीच में कोई तीसरा काम होने की संभावना नहीं है।
जैसे ही माने उसने सा माने देखा ये डेंजर ये खतरे को, उसने खतरे को देखा ही रिटर्न हो वह घर वापस आ गए। इसका मतलब पहले उसने खतरा देखा होगा कि खतरा है, अब तुरंत वो वापस आ गया। इसका मतलब दोनों के बीच में समय अंतराल कम है। उसने खतरा देखा और तुरंत उसने क्या किया, घर को वापस चल दिया। इसका मतलब इसमें तीनों शर्त मिल रहे हैं। मतलब मान लीजिए दो वाक्य दिए हैं, अगर दोनों वाक्यों में अगर ये तीनों शर्त अगर दिखाई देते हैं तो बिल्कुल गलती मत करिएगा, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। तो कैसे बनाएंगे, अब सिंपल सेंटेंस, अब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो जो कार्य पहले हुआ है उसके क्रिया में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो जो कार्य पहले हुआ, पहले कार्य हुआ है खतरे को, उसने पहले देखा, सबसे पहले उसने खतरा देखा तब वो घर को वापस आया। इसका मतलब कि पहले वाक्य की क्रिया जो है इसी में आईएनजी लगाते हैं और पहले वाक्य के मतलब कर्ता ये नहीं लिखा जाता है। तो यानी कि सा है ती हुई है सी, क्योंकि हम जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म बना करके आईएनजी लगा दिए, ये डेंजर इसको हम उतार लिए, फिर कामा लगा देंगे। इन्हें पहले वाक्य का कर्ता नहीं लिखा जाता है यूं समझ लीजिए, ठीक। अब दूसरे वाक्य का कर्ता, इन दूसरा वाक्य हम ज्यों का त्यों हम ऐसे उतार लेंगे। ये तो कहने का मतलब कि इन्हें कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है और उसमें अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है तो ये तीन शर्त उसमें दिखाई देगा। जैसे इसी का हम रूल दूसरा बता रहे हैं, जान लीजिए ये पहला नियम है, इसमें कुल चार रूप होते हैं, इसके चार प्रकार होते हैं। तो एक दूसरा रूप देखिए, जैसे लिखा है ही माने उसने, पहला वाक्य है ही माने उसने, केम केम माने आया, इन अंदर, ही केम इन, ही माने उसने, केम माने आया, इन माने अंदर, वह अंदर आया। दूसरा वाक्य है ही वाज, वह हंस रहा था। तो समझ लीजिए पहले, अब इसमें अब जैसे दो वाक्य दिए हैं, आगे ब्रैकेट में लिखा है सिंपल सेंटेंस, यानी इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब इसको सिंपल सेंटेंस, भाई सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तो आठ प्रकार हैं। अब उस जो आठ प्रकार हैं उसमें से कौन सा प्रकार की यूज करेंगे ये देखना है। तो हमने देखा अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर होगा तो दोनों वाक्यों का कर्ता समान होगा। पहले वाक्य का कर्ता देखिए ही है, दूसरे वाक्य का कर्ता देखिए ही है, इसका मतलब दोनों वाक्यों में कर्ता समान है। अब देखिए अगर प्रेजेंट यानी कि पार्टिसिपल से जोड़ के अगर एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, कब बनेगा, जब उसके तीन शर्त पूरे होंगे। पहला शर्त तो पूरा हो गया, अब दूसरी शर्त क्या है, दोनों वाक्यों की क्रिया जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि असमान होनी चाहिए। पहले वाक्य में क्रिया क्या है, केम है, दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है, लाफिंग है, वाज लाफिंग।
तो यही कहने का मतलब क्रिया अलग अलग है, द्विसर्ग पूरी हुई है। लेकिन एक और, एक ही कर्ता द्वारा, मतलब वही आदमी अंदर आया, वही आदमी हंसते हुए आया, दोनों वही आदमी जो अंदर आया वही हंस भी रहा था। तो इसका मतलब एक ही कर्ता द्वारा दोनों वाक्यों के बीच का समय अंतराल देख लीजिए क्या है, मतलब कि वो अंदर आया और हंसते हुए आया, मतलब अंदर आने में हंसने में तीसरा कार्य नहीं होगा, अंदर आया हंसते हुए आया, इसके यानी अंदर आने में और हंसने में के बीच में समय अंतराल क्या है, शून्य है। इसका मतलब इस वाक्य में हमें तीनों शर्त दिखाई दे दिया। अगर ये तीनों शर्त दिखाई दिए तो इसको हम कैसे बनाते हैं? अब दूसरी विधि है, इसी नियम का दूसरा विधि, दूसरी विधि क्या है, रूल नंबर दो इसी नियम के। अगर ये एक सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, अगर मान लीजिए जो कार्य बाद में हो रहा है अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हम पहला वाक्य जो करते हो वैसे हम उतार लेते हैं, पहला वाक्य उतार लेंगे, और दूसरे वाक्य में ना तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज को हम हेल्पिंग वर्ब हमने क्यों कहा, हेल्पिंग वर्ब मतलब था कि ये मतलब कि ये वर्ब यानी कि ये वाज जो है ये वर्ब की मदद कर रहा है, इसलिए इसका नाम वाज यहां हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, जब कोई सहायक क्रिया हो अगर वो वर्ब यानी क्रिया के अगर मदद करे तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम ना तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है उसको हम उतार लेंगे। अब ये नहीं लाफिंग, ही केम इन लाफिंग, इसका मतलब ही माने हुआ वह, केम माने आया, इन माने अंदर, लाफिंग माने हंसते हुए, वह हंसते हुए अंदर आया, चाहे कह दीजिए, चाहे कह दीजिए कि वह अंदर आया वह हंस रहा था, या यूं कह दीजिए कि वह हंसते हुए अंदर आया। जैसे इसी नियम का हम देखिए रूल दुई के, ये रूल दो में है, रूल दो का हम एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे ही माने वह, ही केम आउट, ही माने वह, केम माने आया, आउट माने बाहर, वह बाहर आया। अब दूसरा वाक्य है ही वाज बीपिंग, वह रोते हुए आया, यानी कहने का मतलब यही दो सेंटेंस हमको दिया गया है, इसी दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, तो अब ये देखना है क्या इस दोनों वाक्यों में क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, उसके लिए तीन शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली बात, पहली शर्त है कि दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो, तो पहले वाक्य का कर्ता ही है, दूसरे वाक्य का कर्ता ही है, इसका मतलब दोनों वाक्यों का कर्ता समान है। अब देखना है दूसरी शर्त क्या है, कि दोनों वाक्यों की क्रिया समान हो यानी अलग अलग हो। तो अब यदि पहले वाक्य की क्रिया के मतलब केम है, दूसरे वाक्य की क्रिया मतलब वाज बीपिंग है, तो यानी दोनों वाक्यों में क्रिया क्या है, अलग अलग है। अब एक शर्त अगर और दिखाई दे दे, मतलब एक ही कर्ता के द्वारा दोनों काम हुआ है और दोनों कार्यों के बीच में देखना है समय अंतराल क्या है, मतलब ही केम आउट, वह बाहर आया, और ही वाज बीपिंग, वह रो रहा था, यानी कि बाहर आने में रोने में तीसरा काम
बीच में कुछ काम नहीं हुआ है, यानी अर्थात समय अंतराल जीरो है। जैसे वो आया बाहर और यानी रो रहा था, इसका मतलब यहां तीसरा काम यानी तीसरी शर्त भी पूरी है कि मतलब दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल जीरो है। तो अब पक्की बात हुई है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। उसमें भी सिंपल सेंटेंस में भी ये दूसरा नियम है, जब एक वाक्य दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो। ये नियम दो बता रहे हैं, जब दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस का मतलब जब क्रिया में आईएनजी लगा हो तो ये कंटीन्यूअस सहायक क्रिया लिखी है, अब क्रिया में आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टेंस में है। तो ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस को ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए पहले का हम सब्जेक्ट नहीं, यानी पहला वाक्य अगर मतलब कंटिन्यू दूसरा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है तो पहला वाक्य हम जो करते हो पूरा इसे डाल लेंगे। ही केम आउट, ही केम आउट लिखे बाद अब दूसरे वाक्य में हम जो सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम नहीं लिखेंगे, हम इतना नहीं लिखेंगे। अब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है उसको हम उसी के आगे ऐसे उतार लेंगे, यानी कि ही केम आउट बीपिंग, यानी ही माने हुआ, केम माने आया, आउट माने बाहर, बीपिंग माने रोते हुए। चाहे ऐसा कह दीजिए वह रोते हुए बाहर आया, अच्छा ऐसा कह दीजिए वो बाहर आया और रो रहा था। तो अब ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। लेकिन एक बात नियम दो में हम और देते हैं, देखिए रूल तीन में क्या है। रूल तीन में हम बता रहे हैं जैसे पहला वाक्य है ही सा ए गर्ल, ही माने उसने, सा माने देखा, ये गर्ल माने लड़की को। दूसरा वाक्य है सी वाज कैरिंग ए बास्केट। अब रूल तीन में क्या है, रूल तीन देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा या नहीं। ही सा ए गर्ल, जब यानी कि पहले का ऑब्जेक्ट, पहले की जो ऑब्जेक्ट है अगर वही चीज दूसरे का सब्जेक्ट अगर हो, सब्जेक्ट हो और दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल शून्य हो तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे देखिए, ही सा ये गर्ल, उसने एक लड़की देखा, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह एक टोकरी ले जा रही थी। कहने का मतलब अब जब कभी ऐसी सीन आ जाए कि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता हो और दूसरा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो जैसा कि हमने कहा जो कार्य पहले हुआ है, अगर मान लीजिए कभी ऐसी सीन आती है कि जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यूं समझ लीजिए जो कार्य बाद में हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ऐसे वाक्य को हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं?
सुन लीजिए, जो कार्य पहले हुआ है उस कार्य को हम उतार लेंगे। ही सा ए गर्व, ही सा ए गर्व। अब दूसरे वाक्य में हमने क्या कहा है, हमने कहा है दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य के हेल्पिंग वर्ब, इसको नहीं लिखेंगे। जिसमें आईएनजी लगा हुआ है वहां से उसके आगे जितना लिखा होगा पूरा का पूरा हम उतार लेंगे, यानी कि कैरिंग ए बास्केट। इसका मतलब ही माने उसने, सा माने देखा, ए गर्ल माने एक लड़की को, कैरिंग माने ले जाते हुए, ए बास्केट माने एक टोकरी। उसने एक टोकरी को ले जाते हुए एक लड़की को देखा। यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। जिस वाक्य में जब हम दो वाक्यों को जोड़कर अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो समझ लीजिए कि हमें उसमें एक सब्जेक्ट लाना है और एक क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो एक सब्जेक्ट और एक, अब इसी नियम के देखिए हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, देख लीजिए। जिसे मान लीजिए सी, सी माने हुआ पहला वाक्य, सी माने हुआ, सा माने देखा, सम बॉयज, मतलब सी माने उसने, सा माने देखा, सम बॉयज कुछ लड़कों को, उसने कुछ लड़कों को देखा। दूसरा वाक्य क्या है, दे देयर सिटिंग बाय रोड साइड, यानी कि वह रोहिणी सड़क के तरफ बैठे हुए थे। अब यानी कि देखिए दोनों का कर्ता, यानी कि यहां समान की बात नहीं है। अब यानी कि ऐसे वाक्य जो पहले, यानी कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हो अगर वो दूसरे वाक्य का कर्ता बना हो और दूसरा वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, याद रख लीजिए हमने क्या कहा। यानी कहने का मतलब हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीसरा रूल लगेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीसरा रूल कब लगाएंगे, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे और दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे दोनों वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इधर तो है क्या, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए तो जब कभी ऐसी सीन आती है कि आप देखिए आप कह रहे हैं उसने कुछ लड़कों को देखा, वही लड़की मतलब वही मतलब के सम बॉय कुछ लड़के, तो एक मतलब कि जो पहले वाक्य का ये ऑब्जेक्ट है इसी को हम दे के रूप में हमने लिखा है। तो ये कहा तो ऐसे वाक्य को हम क्या करते हैं, पहला वाक्य हम ज्यों का त्यों वैसे उतार लेते हैं। और करते क्या है, पहले वाक्य उतार लिए, अब दूसरे वाक्य में जो है, दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है इसको नहीं लिखेंगे,
जो हेल्पिंग वर्ब है इसको नहीं लिखेंगे, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है वहां से जितना लिखा होगा वही पहले वाक्य वाक्य के आगे हम पूरा लिख दे रहे हैं। तो यानी कि बॉयज सिटिंग बाई रोड साइड, ये है हमारा रूल तीन। तो रूल तीन में याद कर लीजिएगा, रूल तीन है क्या, जब पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वही दूसरे वाक्य में कर्ता के रूप में आया हो और दूसरा वाक्य जो है कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो समझ लीजिएगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए रूल चार, देखिए रूल फोर में क्या है। रूल फोर में पहला सेंटेंस दिया गया है ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। दूसरा वाक्य दिया गया है ही स्लिप्ड, ही स्लिप्ड। ये नहीं कहने का मतलब अब दोनों का कर्ता समान है और इसके बीच में समय अंतराल जीरो है, कैसे हम बता रहे हैं। तो जब पहला वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, अभी तक इन्हें रूल तीन में कहा देखा, दूसरा वाक्य क्या था जो, यानी दूसरा वाक्य जो कार्य मतलब बाद में हुआ वो पास्ट कंटीन्यूअस, वो कंटीन्यूअस टेंस में था। लेकिन रूल फोर में क्या है, इसमें जो कार्य पहले हुआ है वो कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर मान लीजिए जब कार्य जो कार्य बाद में हुआ है यदि वो कंटीन्यूअस टेंस में है तो रूल थ्री लगाएंगे, अगर जो रूल यानी जो कार्य पहले हुआ है यदि वो कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसमें रूल फोर लगाएंगे। तो रूल फोर में क्या है, ही वाज रीडिंग, ही स्लिप्ड। इसका मतलब यह हुआ जब पहला वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, जो कार्य पहले उसने ही वाज रीडिंग पहले उसने पढ़ा, ही स्लिप्ड तब वो सोया, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ इसलिए रीडिंग जारी रहा, रीडिंग का मतलब जारी रहा, तब वो सो गया था। इसका मतलब ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, उसमें वाई का प्रयोग करेंगे। पहले जब पहला वाक्य जो सबसे पहले कार्य हुआ है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, उसका सब्जेक्ट उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। वाई लिखने के बाद हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे, जो उसके आगे जिसमें आईएनजी लगा हुआ है उसको हम उतार लेंगे और उसके बाद हम कामा लगाएंगे। उस कामा लगाने के बाद दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे इसी का अगला नियम एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सी वाज राइटिंग ये लेटर, अब दूसरा वाक्य क्या है, ही स्लिप्ड, वह सो गया। सी
क्योंकि ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का कर्ता समान होना चाहिए। तो सी वाज राइटिंग ए लेटर, सी माने वह, वाज राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रही थी। सी स्लिप, वह सो गई, अर्थात मतलब लिख ही रही थी तभी वो सो गई। पता नहीं लिखना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं चला। आईएनजी लग रहा हुआ इसका मतलब जारी था, काम चल ही रहा था कि वो सो गई। अगर कोई ये समझे कि इसमें हम आगे का रूल लगा दें, आगे का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि समय अंतराल कभी कभी क्या होता है, लिखते लिखते आदमी सो जाता है, खेत मतलब ऐसे बात। तो कहने का मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे, जब पहला वाक्य, अब पहला वाक्य क्या है, कंटीन्यूअस टेंस में है। तो अगर पहला वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में है और दोनों का कर्ता समान है और इसके दोनों के बीच में अगर तीसरे कार्य का होना ना पाया जाए, अर्थात यानी कि समय अंतराल जीरो हो, उसको हम अगर हमें सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, सुन लीजिए। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल, व्हाइल। अब पहले का सब्जेक्ट और पहले का हम हेल्पिंग वर्ब, इसको लिखते नहीं है। व्हाइल लिखने के बाद पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट और पहले वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, जिसमें आईएनजी लिखा है वहां से पहला वाक्य पूरा उतार देंगे। राइटिंग ए लेटर कामा, अब दूसरा वाक्य हम ज्यो कहते हुए लिखेंगे, जैसे सी स्लिप्ड। कहने का मतलब व्हाइल राइटिंग ए लेटर, एक पत्र, व्हाइल राइटिंग माने लिखते लिखते, एक पत्र लिखते लिखते सी स्लिप, वह सो गया। अब ये हमारा रूल चार है। रूल चार में याद रखे रहिएगा, जब दोनों का कर्ता एक हो और जो पहले कार्य हो रहा है अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ऐसे वाक्य को हम रूल फोर लगाएंगे। और जब दूसरा वाक्य जो कार्य बाद में हो रहा है यदि वो कंटिन्यूअस टेंस में है, उसमें रूल थ्री लगाएंगे। अब देखिए रूल पांच, रूल फाइव में क्या है, जैसे दो वाक्य दिए हैं, पहला वाक्य दिए हैं ये टाइगर, ये टाइगर वाज हंग्री, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है, ही किल्ड ये गोट। देखिए रूल फाइव में ये वीडियो सिंथेसिस का पहला भाग है, इसको पूरा यानी शुरू से आखिरी तक देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग देखेंगे, रूल पांच बताए हैं, पांचों रूल आपका तैयार हो जाएगा। जा करके एक्सरसाइज देख लीजिएगा, इस रूल के जितने सेंटेंस दिए हों उसको आप सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंस इस टाइप के दिए होंगे आप कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, जैसे दो वाक्य में से कोई किसी एक वाक्य में टू बी वर्ब आया हो, टू बी वर्ब मतलब जानते हो, जैसे वो आज है, अब इसमें इसको हम हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं कहेंगे, जब इसके आगे वर्ब लिखा ही नहीं है तो इसको तो हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते ना। मतलब कि जब इज आर एम वाज बियर की आगे अगर मान लीजिए वर्ब ना लिखा गया हो तो उसको हम टू बी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि टू बी वर्ब बोलते हैं, टू बी वर्ब बोलते हैं, टू बी वर्ब बोलते हैं। अब इसको हम बनाएंगे कब, यानी कहने का मतलब अब हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? तो जब यानी कि एक वाक्य में टू बी वर्ब हो और उसे अगर हमें बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें टू बी वर्ब है उसको हम उस मतलब उस टू बी वर्ब को हम बीइंग में बदल देते हैं। बीइंग कर देंगे, जो टू बी वर्ब दिया गया है टू बी वर्ब को हम बीइंग में बदल देंगे, उसकी आगे जो शब्द लिखा है इसको हम उतार देंगे हंग्री। तो बीइंग हंग्री, इसमें केवल एक एग्जांपल हम बताएंगे टू बी वर्ब वाले में, एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर किसी एक वाक्य जो है टू बी वर्ब से शुरू है, इज आर एम वाज देयर से शुरू हो, उसके आगे क्रिया ना लिखी हो, तो समझ लेना कि रूल फाइव लगेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, टू बी वर्ब की जगह पर बीइंग लिख देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार करके कामा लगा देते हैं। अब देखा, चूंकि यहां टाइगर दिया गया है, यहां यही टाइगर यहां ही का काम कर रहा है, ही के लिए गोट, उसने एक बकरी मारा, मतलब वही ही वही टाइगर, इसलिए हम यहां ही नहीं उतारेंगे, यहां जो नाउन है इसको उतारेंगे, ये टाइगर, टाइगर ही की जगह भैया, बाकी इसको हम ऐसे उतार लेंगे गोट। अब देखिए, मान लीजिए यहां जैसे यहां पहले वाक्य का कर्ता नाउन हो, अब दूसरे वाक्य का कर्ता इसी का प्रोनाउन लिखा गया है, इसी को प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया हो, तो जब हम दूसरा वाक्य उतारते हैं तो दूसरे वाक्य का प्रोनाउन ना उतार करके वही पहले वाक्य का नाउन उतार लेते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तब, कि यहां नाउन दिया गया है उसी का यहां प्रोनाउन लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं, जब दूसरा वाक्य उतारेंगे तो पहले का ही नाउन दूसरे के सब्जेक्ट की जगह पर उतार करके बाकी पूरा उतार लेंगे। ये है जब हम रूल पांच, जब हमारा दो वाक्य में से पहला वाक्य नहीं कोई मतलब दो वाक्य में से एक वाक्य अगर टू बी वर्ब से शुरू है तो उसमें रूल फाइव लगेगा। आज बहुत गर्मी है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त होता है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।